हे गाइस, राधे राधे। मैं हूं वरुण और आप देख रहे हैं आप सबका अपना यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं मस्त और बढ़िया ही होंगे। तो गाइस, आज मैं हूं अपने शहर मेरठ में। मेरठ में ये मेला लगा हुआ था यार, तो मैंने कहा चलो मेला देखते हैं और आपको भी घुमाते हैं साथ में। तो मेरठ ट्रेड लगा हुआ था, ये कुछ जिम खाना मैदान में था, तो वहाँ मैं पहुँच गया। और स्टार्टिंग में ये पान, रंग बिरंगे पान, मीठे मीठे पान। तो चलो अब अंदर चलते हैं, देखते हैं। छोटा सा ही है, अगर आप मेरठ से ही हो तो यार प्लीज़ यार मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दो। सबसे पहले तो यार मेरठ वासियों को तो कंपलसरी है, जो भी मेरा चैनल देख रहा है यूट्यूब पे, तो प्लीज़ भाई। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है यार, हमारे यहाँ मेरठ में जो सबसे मशहूर मेला है वो है नौचंदी का। तो नौचंदी का मेला इस बार लगा था, जो कि मैं नहीं जा पाया। और यार, और पिछले 2 साल से तो आपको पता है कोविड चल रहा है, तो इतना जाना नहीं हो पा रहा, लगा ही नहीं था नौचंदी। तो यार रंग बिरंगे सामान, मज़ेदार मेले में मज़ा आता है। कौन कौन गाइस मेले में जाता है और किस किस को मज़ा आता है, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिख के बताना। मेरठ का नौचंदी मेला कौन कौन मेरा भाई गया हुआ है, भाई बंधु जो भी है, बताना यार कमेंट करके कि नौचंदी का मेला आप कौन कौन लोग गया हुआ है। और जो ये जिम खाने में इस समय मैं मेले में देख रहा हूँ या घूम रहा हूँ, तो यहाँ पर कौन कौन हो के आया कमेंट में ज़रूर बताना। गाइस, हमारा जब नौचंदी का मेला लगता है, मेरठ का मशहूर नौचंदी, तो यार उसमें तो सर्कस और मौत का कुआं आप लोगों को पता ही होगा, तो उतना बड़ा लेवल पे तो नहीं लगा था यार। ये देखो हिंगोली, बहुत सारी चीज़ें, आम पापड़, तो यार इतना बड़ा तो नहीं लगा था जिम खाने में जो इस समय मैं आपको दिखा रहा हूँ। क्योंकि हमारा नौचंदी का मेला तो यार आपको पता ही होगा कितना विशाल, कितना बड़ा लगता है यार। उसके अंदर बहुत ही, मतलब बहुत बड़ा होता है यार, उसमें हर चीज़ होती है। सर्कस भी लगती थी पहले, तो अब मुझे पता नहीं इस समय लगती है कि नहीं लगती। आप कमेंट में बताना आप सर्कस नौचंदी में लगती है कि नहीं लगती। गाइज, आप लोग ना वीडियो देखते हो मगर सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को, भाई सब्सक्राइब कर दे करो। चैनल सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं घिसेगा, थोड़ा हमें मोटिवेशन मिल जाएगा, अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो भाई फिर हम डीमोटिवेट हो जाएंगे और फिर वीडियो बनाना छोड़ देंगे। तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो, आप लोगों का सब्सक्राइब बहुत कुछ है मेरे लिए। और ये देखो थोड़े बहुत झूले लगे हुए थे, जो कि यार देखो जिस हिसाब से मेला था काफ़ी हैं, और भीड़ बहुत थी, भीड़ बहुत। आप देख लो जिस समय मैं एंट्री करता था तो शाम के लगभग ऐसी बज रहे थे यार, 7 बजे, 8 बजे के बाद काफ़ी भीड़ हो गई थी। ये स्केरी हाउस मैं गया नहीं अंदर, मगर नौचंदी के मेले में मैं बहुत गया हूँ बचपन में यार, बहुत गया हूँ मैं नौचंदी, और मज़ा आता था यार नौचंदी में जाके अपना झूले झूलना। यार झूले मुझसे झूले नहीं जाते थे वैसे तो, आप बताओ कमेंट करके कि कौन कौन लोग यार झूले झूलता था नौचंदी स्पेशल जाके, कि हाँ भाई झूला झूलने के लिए ही नौचंदी जा रही। मेरे को तो यार उल्टी आ जाती थी, तो मैं काफ़ी मतलब कम झूले झूलता था। एक आपको अगर याद हो तो ब्रेक डांस करके एक झूला होता था, तो मैं ज़्यादातर वही झूलता था। और जो ये बड़ा वाला झूला होता है यार, इसमें मुझे बहुत डर लगता था भाई, उल्टी आने का बिल्कुल ऐसा लगता है कि बस यार क्या बताऊँ मैं आपको। ये देखो इस समय अंदर स्विमिंग पूल सा बना रखा है, उसके अंदर बोटिंग चल रही है, स्विमिंग पूल तो नहीं भाई, बोटिंग के लिए पूल बना रखा है जिसमें बच्चे आराम से मज़े ले रहे हैं। और गाइस ये देखो मेले के अंदर ऊँट की सवारी भी कराई जा रही है बच्चों को, बड़े भी कर सकते हो मुझे पता नहीं भाई, मगर हाँ बच्चों के लिए तो है सही यार। एक तो गाइस मैं ये बता रहा था कि देखो आप ना वीडियो को पूरा देखा करो, तभी आपको मज़ा भी आएगा, अच्छा भी लगेगा। और दूसरा यार, वीडियो देख रहे हो आपको पसंद आ रही है तो यार लाइक जरूर कर दे करो। ये देखो यहाँ पे ऐसे स्टेज सजा हुआ था और कल्चरल महोत्सव लिखा हुआ है, मेरठ कल्चरल महोत्सव, और डांस वांस चल रहा था, काफ़ी बढ़िया था यार, वैसे मुझे अच्छा लगा। मतलब यार थोड़ा बहुत होना चाहिए, अगर मेला नहीं लगेगा लोग वक्त थोड़ा घूमने के लिए यार वो मिल जाता है, तो मेरे हिसाब से तो बहुत बढ़िया रहा। और ये देखो जी शूटिंग किस किसने करे हैं भाई, मैंने तो नौचंदी मेले में जाके बहुत वो लगाई, मोमबत्तियाँ बुझाई हैं। अगर आपको पता हो मोमबत्तियाँ लगती थी जला के, यहाँ मोमबत्तियाँ तो नहीं लगी हुई थी। ये झूले लगे हुए थे यार, बच्चों के लिए भी है, बड़ों के लिए भी थे झूले। तो गाइज ये घर पे सजाने के लिए जैसे कहते हैं ना एंटिक पीस कहेंगे यार क्या कहेंगे मुझे पता नहीं, एंटिक तो नहीं है वैसे ये,
मतलब सजाने के लिए थे, काफ़ी सुंदर सुंदर लगे हुए थे। तो गाइज एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा आपसे कि यार मेरे अभी 2K सब्सक्राइबर नहीं हुए, तो मैं चाहता हूँ जल्द से जल्द आप 2000 सब्सक्राइबर मेरे कराएं। तो मेरठ से जितने भी लोग देख रहे हैं भाई, प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं आपसे, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब करोगे तो आपके भाई के सब्सक्राइबर बढ़ेंगे और जल्दी से जल्दी हमारी फैमिली 2000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, तो भाई मज़ा आ जाएगा। तो पहला टारगेट तो मेरा यही है कि 2K सब्सक्राइबर कराओ आप जल्द से जल्द। गाइज मेले में आओ और आपको कुछ खाने के लिए ना दिखे, ऐसा हो सकता है क्या? अमेरिकन कॉर्न, चाट, पापड़ी और ये देखो आजकल की मशहूर तंदूरी चाय, जो कि मैंने भाई नहीं पी क्योंकि मेरा मन नहीं था उस समय पीने का, मगर मैंने आपके लिए रिकॉर्ड करा। मैंने देखें कैसे बना रहे हैं तंदूरी चाय, आपने देखा ही होगा काफ़ी वीडियो में। तो ये भाई तंदूरी चाय थी और ये आ गई पापड़ी, चाट पापड़ी, भल्ला पापड़ी और ये आपको पता ही है स्मोक बिस्किट, जो आजकल बहुत ज़्यादा ही ट्रेंड में चल रहा है यार। शादी ब्याह में जाओ, आपको पता है हर जगह मुंह में वो धुएं निकलते हैं ना स्मोक वाले, वही था ये। तो अच्छा था यार, अगर आप मेरठ से थे तो आपको जाना चाहिए था भाई, अगर आप मिस कर दिया है तो आप तो कुछ कह नहीं सकते। और ये रिंग फेंकने वाला था ना, ये तो वो है आपका बॉल से आपको ये पाँचों गिलास गिराने थे। और ये भी गेम, आपने कौन कौन से गेम खेले यार कमेंट में बता दिया करो, कम से कम मुझे पता तो लगे कि हाँ भाई हमारे टाइम के और भी दोस्त यार हैं जिन्होंने ये सब गेम खेली है। क्योंकि आजकल के लोग तो यार आपको पता ही, आजकल के बच्चे तो भाई सिर्फ और सिर्फ फ़ोन में ही लगे रहते हैं। और ये आ गई भील पूड़ी। तो यार अपने बच्चों को मैं तो यही कहूँगा आप सब लेकर जाया करो मेलों में, क्योंकि हमारे जो आजकल की जनरेशन है ये सब फ़ोन में ही लगी पड़ी है, तो इनको नहीं पता कि यार कैसे गेम्स खेलते थे हम मेले में जाके, कैसे कैसे